दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के बड़े खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले खबर, राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 5 जिलों में कोरोना के नए 8 मामले पाए गए हैं। इसके बाद एक्टिव केस घटकर 64 हो गए हैं। फिलहाल कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 98.66% रहा है। सबसे अधिक 3 मामले समस्तीपुर जिले में पाए गए हैं। वहीं पटना जिले में 2, रोहतास में 1, शेखपुरा में और पश्चिमी चंपारण में 1-1 नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 158,698 सैंपलों की जांच की गई है। अगली बड़ी खबर, 67वीं बीपीएससी के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़ाकर अब 530 हो गई है। आयोग को नई रिक्तियां प्राप्त होने के बाद अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एसडीएम के 88 पद हो गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग से 133 ग्रामीण विकास पदाधिकारी की रिक्तियां प्राप्त हुई है। बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि प्राप्त रिक्तियों में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पद भी शामिल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एक सप्ताह के अंदर 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकल जाएगा। बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को मुजफ्फरपुर में हुई महापंचायत में भाकियों नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर भारत बंद से देश को संदेश दिया जाएगा, किसान अपने दम पर यहां लड़ाई जीतेंगे, कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन होगा। आपको बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में हुई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के किसान पहुंचे। इनमें पंजाब और हरियाणा के किसानों की संख्या अधिक रही है। अगली बड़ी खबर, राज्य के 3 नए कृषि कॉलेजों में पढ़ाई अगले सत्र से शुरू होगी। कृषि क्षेत्र में पहली बार नई विधा प्रबंधन, इंजीनियरिंग और बायोटेक की पढ़ाई होगी। इसके लिए भवन की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। इन तीनों कॉलेजों में अगले सत्र से छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। ये तीनों कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होंगे। राज्य सरकार ने 3 नए कृषि कॉलेजों की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक कृषि सचिव डॉक्टर एन शरण कुमार ने सारी व्यवस्था तुरंत कर दी है। जमीन से लेकर फैकल्टी तक की व्यवस्था कर दी गई है। अब सरकार का फैसला अगले सत्र से ही जमीन पर उतर जाएगा। तीनों कॉलेजों में मार्च से शुरू होने वाले सत्र में 60-60 छात्रों का नामांकन होगा। हालांकि इन तीनों नई विधाओं की पढ़ाई बिहार में पहली बार होगी, लिहाजा सीटों की संख्या छात्रों की उपलब्धता के आधार पर पहले सत्र में कम भी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, सूबे में बारिश का सिस्टम सक्रिय न रहने की वजह से गर्मी बढ़ी है। पटना सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उमस और गर्मी से लोग बेहाल रहे हैं। मानसून हाल ही के दिनों में सूबे में कमजोर हुआ है, इस वजह से राज्य भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। हालांकि आंशिक बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से धूप और तीखी लग रही है। अब तक सूबे में सामान्य से 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उत्तर बिहार के जिलों में दक्षिण बिहार की अपेक्षा ज्यादा बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों में यही स्थिति रहने वाली है। मौसमविदों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही पूर्व हवा की वजह से सूबे के वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ी है। अगली बड़ी खबर, गुस्साए तेज प्रताप का एक और बड़ा फैसला, लालू के बड़े बेटे ने छात्र जनशक्ति परिषद बनाई, खुद को अध्यक्ष घोषित किया, कहा आरजेडी के लिए बैकबोन का काम करेगी। जी हां, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप लगातार छोटे भाई पर तंज कस रहे हैं। शिक्षक दिवस पर रविवार को उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और खुद को इसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया अध्यक्ष बनाने और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होने के बाद तेज प्रताप ज्यादा भड़क गए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद से वे नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह आंदोलन बिहार समेत अन्य राज्यों में भी होगा। उन्होंने युवाओं को इस मिशन से जोड़ने की अपील की है। बड़ी खबर, बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची, 2 दिनों तक निरीक्षण कर बाढ़ से हुए नुकसान का करेगी आकलन। बाढ़ से अब तक 53 की मौत। जी हां, बिहार के 16 जिले बाढ़ के चपेट में है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय टीम बिहार आ चुकी है।
6 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरके सिंह कर रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के 5 और अधिकारी भी इस केंद्रीय टीम के हिस्सा है। टीम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। आपको बता दें कि बिहार के 26 जिलों में इस बार बाढ़ का प्रकोप दिखा है। अभी भी राज्य के 16 जिले बाढ़ की चपेट में है। राज्य में अब तक 53 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। केंद्रीय टीम से पहले बिहार सरकार ने भी बिहार को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करवाया है। राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक लगभग 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए लगातार कई हवाई सर्वेक्षण किए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में खुलेंगे 2000 कॉमन सर्विस सेंटर, 10वीं पास महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इसका संचालन शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी, जिन्हें डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। 10वीं पास इन महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह समूह अपने वार्ड में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में बिहार आने वालों की होगी कोरोना जांच, केरल व पंजाब से आने वाले रहेंगे क्वारंटाइन। जी हां, दुर्गा पूजा के दौरान प्रदेश से आने वाले पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। इसके लिए पंचायत से लेकर शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना जांच केंद्र बढ़ाए जाएंगे। खासकर महानगरों से आने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, सरकारी व निजी बस पड़ाव के अलावा सभी पीएचसी में केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें आरटीपीसीआर और एंटीजन किट से जांच की जाएगी। अगर सड़क मार्ग से कोई प्रखंड में अपने घर आते हैं तो उनकी भी कोरोना जांच करनी है। इसके लिए जनप्रतिनिधि व वार्ड सदस्य को भी मदद ली जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले कई राज्यों में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किया गया है। पंजाब, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जिले में इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी इन परदेशियों को 10 दिनों तक अपने घरों में क्वारंटाइन रहना होगा। मोटरयान निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि हुई जारी, 10 सितंबर से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटरयान निरीक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीपीएससी के लेटेस्ट नोटिस के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन 17 सितंबर 2021 को 2 पालियों में व 18 सितंबर 2021 को 1 पाली में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर 10 सितंबर से उपलब्ध होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। राउंड की बड़ी खबर, अब 15 सितंबर तक इग्नू में ले सकते हैं एडमिशन, 200 कोर्स के लिए बढ़ाए गए एडमिशन के डेट। जी हां, इग्नू में एडमिशन से चूक गए हैं तो अब आपके पास फिर से एक मौका है। अब आप 15 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज कर दिया गया था, लेकिन अब इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट 200 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब तक 13,658 स्टूडेंट दाखिला ले चुके हैं। पटना के रीजनल सेंटर में भी 600 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है।